हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स 11 पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में कवर करने वाले ECS टी10 लीग का जो 27th मुकाबला खेला जाएगा दोस्तों, मिनहाज वर्सेस बांग्लादेश किंग्स के बीच में। तो दोस्तों, ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक भरा देखने को मिलेगा आपको। साथ ही दोस्तों, आपको हमारे वीडियो में जो है सारा रिकॉर्ड्स आपको फुल स्टैट्स देखने को मिलने वाला है। एक एक प्लेयर का दोस्तों रिकॉर्ड निकाल कर लाए आपके लिए, ताकि आप इजीली जो है खुद से भी टीम बना लो, एक विनिंग टीम जो आपको काफ़ी अच्छा अर्निंग इस मैच में करा दे। तो दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको खुद से जो है टीम बनाना आ जाए। दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छी इसमें रिकॉर्ड्स एक एक प्लेयर की बताऊंगा, जिससे आपको जो है कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही बैठ कर अपनी टीम बना लोगे दोस्तों, और ईजिली जो है विनिंग कर लोगे इस मैच में। दोस्तों, जैकपॉट मैच रह सकता है आपके लिए। तो दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले, हमारे चैनल फैंटेसी स्पोर्ट्स चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे से कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे दोस्तों, और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को वॉच करें। तो दोस्तों, फिर आगे पहुंचते हैं, यहां पे हमारी जो स्टैट्स रहने वाली इस मैच के लिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि आपको पता है 27th मैच खेला जाएगा दोस्तों, जो है ECS टी10 लीग का दोस्तों 7th मैच जो दोस्तों रहेगा, MIN वर्सेस BAK मीन्स के दोस्तों मिनहाज वर्सेस बांग्लादेश किंग के बीच में ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करें वेन्यू का दोस्तों, तो मोटेजिक ओलंपिक ग्राउंड में ये मुकाबला खेला जाएगा। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से दोस्तों 3 बजे दोपहर को जो सामने मैच ये खेला जाएगा लाइव। अगर दोस्तों आपको लाइव देखने में इंटरेस्ट, मज़ा आता है दोस्तों, तो आप भी जो है देख सकते हो, यहाँ पर फैनकोर्ट पर लाइव मैच देख सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, मैच जब देखते हैं तो काफ़ी हमें उससे जो है पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, अगर ड्रीम इलेवन दोस्तों अगर आप जीतना चाहते हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बनाते, तो मैच जरूर लाइव देखा कीजिए दोस्तों। वहाँ से आपको जो काफ़ी नॉलेज मिलती है कि कैसे कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, तभी आप जो एक विनिंग जो टीम बना पाते और खुद से भी टीम बनाकर जीत सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आप कहीं के किसी के पास जाकर टीम लो, यहाँ पे जो आप खुद से भी टीम बनाकर देख सकते हो। आपको मैं ऐसे की पॉइंट्स बता रहा हूँ दोस्तों, कोई भी नहीं बताता होगा। आगे दोस्तों, सबसे पहली बात आपको यहाँ पर बता दो, अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से दोस्तों ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ ज्वाइन होने का फायदा ये है आपको कि दोस्तों हर मैच का जो दोस्तों आपको जो लाइनअप के बाद में फाइनल टीम दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों बात करें तो यहाँ हमारी 5 से 10 हज़ार रोजाना की जो विनिंग सबकी होती है दोस्तों। हमारे साथ जितने भाई लोग जुड़े हैं सबको पता है दोस्तों कितनी अच्छी विनिंग हमारी चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं 5 से 10 हज़ार रोज का कमाना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल में दोस्तों अभी ज्वाइन हो जाए दोस्तों, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों जो वेदर रिपोर्ट की तरफ, तो वेदर रिपोर्ट की बात करते हैं, उस टाइम थोड़ा मौसम दोस्तों क्लाउडी रहेगा, बादल लगे रहेंगे। साथ ही दोस्तों बात करें टेम्परेचर की, तो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस टाइम रहने वाला है। साथ ही दोस्तों बात करें जो ये मैच थोड़ा सा रद्द होने के चांसेस, क्योंकि दोस्तों 20% चांसेस है कि मैच के बीच में आपको बारिश देखने को मिल सकता है, तो इसके कारण हो सकता है कि मैच थोड़ी सी खराब भी हो जाए दोस्तों, या हो सकता है दोस्तों हाफ ओवर के मैच हो जाए, या फिर दोस्तों जो नहीं भी हो सकता है, रद्द भी किया जा सकता है मैच। तो दोस्तों ये थोड़ा सा चांसेस आज बारिश के भी है यहाँ पे। आगे दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, जैसा कि हमें पता है दोस्तों लास्ट के जितने मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं, सारे जो बैटिंग फ्रेंडली मैच रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्कोर हमें देखने को मिला है कुछ लास्ट मैचों में। साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करें यहाँ पर बॉलर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे जब पिच है दोस्तों काफी अच्छी जो हेल्प करती है फास्ट बॉलर्स को दोस्तों, यहाँ पे न्यू बॉल के साथ काफी सपोर्टिव होते हैं फास्ट बॉलर्स इस विकेट पे। साथ ही दोस्तों स्पिनर का भी यहाँ पे जो इस टाइम में कोई भी हेल्प नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों उस टाइम जो है पिच पूरी टाइट हो जाती है, जिसके कारण थोड़े स्पिनर को दिक्कत होती है बॉल डालने में। तो दोस्तों ये जो स्पिनर की जो यहाँ पे हेल्पफुल नहीं रहते, बाकी पेसर्स को काफ़ी अच्छा जो न्यू बॉल के साथ स्विंग में हेल्प करती है अब जो पिच है। आगे दोस्तों बात करेंगे एवरेज, साथ ही दोस्तों विनिंग प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले एवरेज स्कोर की बात करें, तो लास्ट के 5 मैचेस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 113 रन जो है एवरेज स्कोर इस मैच में भी आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट के 5 के जो मैच हमने देखे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी इस मैच में आपको जो 113 का स्कोर या फिर दोस्तों 120 के अंदर दोस्तों आपको जो टोटल देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आगे बात करें चेजिंग रिकॉर्ड का, तो दोस्तों चेजिंग रिकॉर्ड की बात करें, तो 1 बार जो टीम ने जीता है चेज करते हैं, बाकी 4 बार जो मैच लॉस किया है। बाकी दोस्तों अभी तक कोई भी टाइट मुकाबला नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है कि जो टीम आप यहाँ से देख सकते हैं रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, जो टीम पहले जो है बैटिंग करती है उसका लॉस ही हुआ है दोस्तों ज़्यादातर। उसका दोस्तों आगे बात करेंगे यहाँ पे जो हमारी विनिंग प्रेडिक्शन की, तो दोस्तों मिनहाज की टीम जो है ज़्यादा चांसेस है कि ये इस मैच को जो विन करेगी दोस्तों, तो ये हमारी फाइनल जो फेवरेट टीम रह सकती है इस मैच के लिए। आगे दोस्तों बात करेंगे जो है प्लेइंग इलेवन दोनों ही टीम के, साथ ही दोस्तों एक एक प्लेयर के रिकॉर्ड निकाल कर लाए यहाँ पे आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं साकिब मोहम्मद की, जो कि 2 मैच खेले हैं, 2 रन बनाया दोस्तों अभी तक, जो कि इनका अभी कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं निकला है। साथ ही जुबैद मियाँ की बात करें, जुबैद मियाँ दोस्तों 4 मैचों में 91 रन मार चुके हैं अभी तक। उसके बाद दोस्तों बात करें साकिब मियाँ के, इन्होंने 4 मैच खेले और 150 रन बनाया, जो कि बहुत बेस्ट है इनकी तरफ से दोस्तों। उसके बाद सोइफुल इस्लाम की बात करें, तो इनका भी जो टीम की तरफ से ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड किया, जिसके कारण यहाँ पे नॉट अवेलेबल रहेगा।
अगले मैच के बाद दोस्तों इनके जो रिकॉर्ड आएंगे उसके हिसाब से आपको जो यहाँ पे इनके रिकॉर्ड भी देखने को मिल जाएंगे, तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों बात करें रिपोन अहमद की, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दो मैच खेले, साथ ही अभी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, ना बॉलिंग ना दोस्तों रनिंग में, कोई भी ना रन मारे ना विकेट निकाले हैं। आगे दोस्तों बात करें शफीकुल इस्लाम की, इन्होंने चार मैचों में दोस्तों 207 रन और 5 विकेट निकाले, तो दोस्तों आप खुद भी सोच सकते हैं कितने बेस्ट प्लेयर रहेंगे इस मैच के लिए, काफ़ी धुरंधार बैटिंग, साथ ही दोस्तों बॉलिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके आगे बात करें हुसैन एनिमुल की, दोस्तों हुसैन एनिमुल ने दोस्तों दो मैच खेले और साथ ही 3 विकेट्स निकाले हैं। इसका दोस्तों बात करें आगे तो मोइसुर रहमान की, 4 मैचों में 5 विकेट निकाले हैं। तहेद अहमद की बात करें तो 4 मैच खेला, 90 रन और साथ ही 4 विकेट भी निकाला है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इनकी तरफ से। उसका दोस्तों आगे बात करें साहिदर रहमान की, 3 मैचों में 222 रन और 2 विकेट निकाले हुए हैं। अजमल नसारी की बात करें तो अजमल नसारी ने दोस्तों 2 मैच खेला, अभी तक इनको कोई विकेट हाथ नहीं लगा है। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेंगे जो हमारे यहाँ पे प्लेइंग 11 रहने वाली मियाज की तरफ से, और साथ ही दोस्तों इनके जो है रिकॉर्ड्स की बात कर लेंगे। तो जैसा कि आपको देखने को मिलेगा खिजार अली दोस्तों 11 मैच खेले हैं, 296 रन जो रन्स हैं, और उसका साथ ही दोस्तों 13 विकेट भी निकाले हैं, जो कि बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है खिजार अली की तरफ से। उसका दोस्तों जाका उल्ला की बात करें 12 मैचों में 18 विकेट्स निकाले हैं। जाफर इकबाल की बात करें तो 11 मैच खेले हैं, साथ ही 232 रन काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाया है इन्होंने। मोहम्मद रियाज की बात करें 9 मैच में 115 रन, साथ ही जो है 10 विकेट भी निकाला है, जो कि बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है दोस्तों, इस टीम में इसका काफ़ी अच्छा रोल रहता है। उसका जो सरफराज अहमद की बात करें तो यहाँ आपको देख सकते हैं 9 मैच खेले हैं, साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो है 98 रन और 5 विकेट निकाल के दिया, जो कि बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है। साथ ही आगे बात करें सुमान मुश्ताक की, दोस्तों 6 मैच खेले हैं और 83 रन दोस्तों। इसका बाद आगे बात करेंगे हम माजिद हनीफ की दोस्तों, तो इनका भी रिकॉर्ड जो अभी टीम की तरफ से ऑफिशियली नहीं प्रोवाइड कराया गया है, तो दोस्तों आपको मैंने बोल दिया कि अगले मैचेस में जो इनके रिकॉर्ड्स आपको जो मिल जाएंगे, कि दोस्तों अब आज जो मैच होने हैं तो इनके रिकॉर्ड्स हमें मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे के मैचेज में इसके रिकॉर्ड में आपको जो है प्रोवाइड करा दूँगा। आगे दोस्तों बात करें मोहम्मद आफ्ताब नवाज़ की, तो इन्होंने 9 मैच खेला, साथ ही 2 रन और जो 11 विकेट निकाले हैं, तो बॉलिंग में इनकी जो है काफ़ी अच्छा जो रहता है परफॉर्मेंस। साथ ही बात करें अमर शहजाद की, तो 3 मैच खेले, साथ ही 6 विकेट निकाले हैं, जो कि बेस्ट है इनकी तरफ से अभी तक। उसका दोस्तों दिलशेर अहमद की बात करें तो 3 मैच खेला दोस्तों और 9 विकेट निकाला, जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है दोस्तों, काफ़ी अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग में डालते हैं दिलशेर अहमद, तो काफ़ी इस मैच में भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। उसका यासिन जावेद की बात करें तो 5 मैच खेलकर 7 विकेट निकाल के काफ़ी अच्छा जो अपना जो टीम में रिकॉर्ड बना रखा है। इसका दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं दोनों टीम की तरफ से जो बेस्ट पिक रहने वाले, साथ ही दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए जो टॉप पिक्स रहने वाले, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों टॉप पिक्स की बात करें दोनों ही टीमों की तरफ से, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जुबैद मियाँ दिखेंगे, उसका दोस्तों यहाँ पे साकिब मियाँ रहेंगे, ताहिद अहमद, उसका दोस्तों खिजार अली रहेंगे, मोहम्मद रियाज, सरफराज अहमद, उसका दोस्तों शफीकुल इस्लाम और जाफर इकबाल। तो दोस्तों ये जो 8 प्लेयर आपको बताए हैं दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस मैच के लिए। जहाँ से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो दोस्तों आपको जो सरफराज अहमद, दोस्तों खाजिर अली, ये सब दोस्तों ग्रैंडलिंग में ईजिली आपको विन करा सकते हैं, तो इनके ऊपर काफ़ी नज़र है। उसका दोस्तों शफीकुल इस्लाम भी काफ़ी बेस्ट रहने वाले इस मैच के लिए। आगे बढ़ते हुए दोस्तों बात करें स्मॉल लीग की, जो दोस्तों हमारी रहने वाली स्मॉल लीग की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो कैप्टन के लिए, वाइस कैप्टन के लिए खिजार अली, उसका दोस्तों यहाँ पे शफीकुल इस्लाम और सरफराज अहमद सबसे बेस्ट होने वाले आज की जो है इस मैच में। आगे दोस्तों बात करें जो ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन, तो दोस्तों ताहिद अहमद, जाफर इकबाल और मोहम्मद रियाज, ये 3 ऑप्शन जो रहेंगे दोस्तों बहुत बेस्ट रहने वाले कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। स्मॉल लीग के अलग या दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए अलग, जो मैंने बता दें आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मैच, ये जैकपॉट मैच हो सकता है दोस्तों आप सभी के लिए। तो आपने जो मैंने पे बताया की पॉइंट्स बता रहा हूं दोस्तों, एक एक न्यूज आपको यहां पर बताया है, तो सारा कुछ आपने जो है दिमाग में रखना है, उसके हिसाब से अपनी टीम क्रिएट करना है। बाकी दोस्तों आपको अभी तक बता रहा हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके हमारे जो सबसे पहली वीडियो आप देखिए दोस्तों, अगली जो कोई भी अपडेट होगी दोस्तों। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी जो आज की टीम रहने वाली ड्रीम इलेवन पे दोस्तों, यहाँ पे आपको जो टीम दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। एक बार एडिट करके बता देता हूँ हमारी टीम जो आज के मैच में रहने वाली है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारी टीम में रहेंगे दोस्तों, जे मियाँ रहेंगे, उसका दोस्तों आप चाहते हैं जो है मुश्ताक को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों, ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। साथ ही दोस्तों बात करेंगे यहाँ बैटिंग सेक्शन में, जे इकबाल, उसका दोस्तों मोहम्मद रियाज और दोस्तों आर अहमद हमारी टीम में रहने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों एस मियाँ ग्रैंड लीग के लिए, उसका दोस्तों एनिमुल भी काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस रह सकते हैं इस मैच में, उसका दोस्तों आफ्ताब नवाज आपको इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। आगे दोस्तों बात करें यहाँ पे जो ऑलराउंड सेक्शन में, तो एस अहमद, टी अहमद, उसका दोस्तों जे उल्ला, उसका दोस्तों एस इस्लाम,
चारों के चारों प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी टीम से आपने जो है ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस मैच में इनका रोल है, काफ़ी अच्छी विनिंग आपको जो दिला सकते हैं चारों प्लेयर। आगे बात करें दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट से, तो दोस्तों बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा डी अहमद, उसके बाद ए शहजाद रहेंगे दोस्तों हमारी टीम में। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से पॉइंट कुछ मैनेज करके दोस्तों आपको बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप करना पड़ेगा, अगर इन दोनों में से किसी को लेना चाहते हैं तो आपको दोस्तों ग्रैंडली के लिए ट्राई करना है इनको अगर चाहते हैं तो आप। उसका दोस्तों लास्ट हमारे पास जो हमारी टीम में रहेंगे सैफुल इस्लाम हमारी टीम में जो बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी प्लेइंग 11 फाइनल रहने वाली है। साथ ही दोस्तों बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो दोस्तों सरफराज को आप कैप्टन वाइस कैप्टन इनको रख सकते हैं दोस्तों, ये कि बहुत ही अच्छे सर रहेंगे आपके लिए। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है किसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ जाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप चाहते हैं इनको कैप्टन रख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन हमारे रहेंगे जेमिया। तो दोस्तों ये हमारी फाइनल टीम रहने वाली है। साथ ही दोस्तों बात करें हमारी टीम प्रीव्यू का, आपको दिखा देता हूँ जिसमें दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे विकेट के बाद जेमिया हमारे वाइस कैप्टन रहेंगे, साथ ही दोस्तों जे इकबाल है, उसके बाद मोहम्मद रियाज, उसके बाद आर अहमद, एस अहमद रहेंगे कैप्टन हमारी टीम के, उसका दोस्तों जे उल्ला, जेट उल्ला, उसका दोस्तों यहाँ पे जो एस इस्लाम, उसका दोस्तों यहाँ पे टी अहमद बॉलिंग में, दोस्तों डी अहमद रहेंगे, ए शहजाद, उसका दोस्तों यहाँ पे जो है इस्लाम रहने वाले। तो दोस्तों ये हमारे प्लेइंग 11 रहेगी। दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बताएंगे हमारी टीम आपको कैसी लगी है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को जो है एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो काफ़ी जो अच्छा खुशी मिलती है दोस्तों, बहुत खुशी होती है जब हमारी वीडियो को आप लाइक करते हो दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाते, एक लाइक जरूर कर दिया करो। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों ज्वाइन होना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ आपको जो है काफ़ी अच्छी टीम प्रोवाइड कराता हूँ लाइनअप के बाद, जिससे आपको जो है काफ़ी अच्छी जो है अर्निंग होती है रोज़ के रोज़ दोस्तों। और दोस्तों आप चाहते हैं कि 5 से 10 हज़ार रोज का कमाना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।